सर्दी की शुरुआत से पहले इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने अपने राज्य का हाल। जाने किन राज्यों में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम शुष्क। सर्दी की शुरुआत के पहले मौसम में परिवर्तन चेंज इन वेदर दिखाई दे रहा है। सुबह और शाम को कुछ नमी के एहसास के साथ हल्की सर्दी वार्म विंटर की दस्तक होने लगी है। वही दोपहर में तेज धूप ब्राइट सनशाइन अभी भी बनी हुई है। हालांकि तापमान में कुछ गिरावट सम रॉक एंड टेम्परेचर दर्ज की गई है। इसके बावजूद अभी भी कई जगहों पर दिन का तापमान पहले जैसा बना हुआ है। मौसम में आ रहे परिवर्तन के साथ ही बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र लो प्रेशर एरिया विकसित हो रहा है। इससे कई राज्यों में भारी से लेकर हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल, ओडिशा व झारखंड में बारिश हो सकती है। इसमें कहीं कहीं भारी बारिश भी होने का अनुमान है। वहीं शेष भागों में मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र में भी बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड राज्य को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि यहां भारी बारिश हैवी रेन हो सकती है। झारखंड में 3 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार में भी हल्की बारिश लाइट रेन होने की संभावना है, जबकि 2 व 3 अक्टूबर को बिहार में भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। इस तरह मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश लाइट हैवी रेन की संभावना जताई है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको मौसम विभाग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और स्काईनेट वेदर की रिपोर्ट अनुसार आज का मौसम, कल का मौसम, परसों का मौसम सहित 3 दिनों के दौरान मौसम की पूर्वानुमान वेदर फोरकास्ट पर बेस की जानकारी दे रही है। तो आइए जानते हैं आगामी दिनों में देश की कितनी हो सकती है बारिश। इस समय देश में बन रहे हैं ये मौसम सिस्टम। स्काईनेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्काईनेट वेदर रिपोर्ट, इस समय देश में कई प्रकार के मौसम सिस्टम वेदर सिस्टम बन रहे हैं। देश में जो मौसम सिस्टम सक्रिय हो रहे हैं वे इस प्रकार से हैं। दक्षिण कोंकण और गोवा तट के पास पूर्व मध्य अरब सागर पर निम्न दबाव का क्षेत्र अब उसी क्षेत्र में अच्छी तरह से चिन्हित निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। संबंधित चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर फैला हुआ है। यह 30 सितंबर की शाम या रात तक डिप्रेशन में केंद्रित हो सकता है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर निम्न दबाव का क्षेत्र लो प्रेशर एरिया उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक सुचिन्हित निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है। संबंधित चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके उत्तर पश्चिम की ओर उत्तरी ओडिशा और निकटवर्ती पश्चिम बंगाल के तट की ओर बढ़ने की संभावना है। तमिलनाडु तट के पास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में 1.5 किलोमीटर ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य पाकिस्तान और उससे सटे पश्चिमी राजस्थान के ऊपर निचले स्तर पर है। एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किलोमीटर ऊपर देखा जा सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां कहां हुई बारिश। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप के कुछ भागों जिनमें गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के उत्तरी तट, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश हैवी रेन हुई है। वहीं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ जगहों हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई। इसी तरह छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के उत्तरी तट और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम, माइल्ड टू मॉडरेट बारिश हुई है। इधर राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई। उधर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण गुजरात में हल्की बारिश लाइट रेन हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान कहां कहां हो सकती है बारिश। मानसून सीजन का अंतिम दौर चल रहा है। अगस्त में कमजोर मानसून के बाद सितंबर के शुरुआत में मानसून की सक्रियता हुई, जिससे सितंबर माह में अगस्त माह की तुलना में अच्छी बारिश हुई है। अभी सितंबर माह का अंतिम सप्ताह चल रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने विदा होते हुए मानसून से जाते समय झमाझम बारिश की उम्मीद जताई है। इसी के साथ मौसम विभाग ने कई स्थानों पर भारी बारिश तो कई स्थानों पर हल्की बारिश होने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने 26 से 28 सितंबर तक देश के कई भागों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। इस दौरान कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है तो कहीं बारिश या बूंदाबांदी होगी।
वहीं स्काईमेट वेदर के मुताबिक देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, कच्छ और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं कुछ जगह पर मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं 27 सितंबर को भी देश के कई हिस्सों में बारिश होगी। इस तरह इस माह के अंत में अच्छी बारिश मानसून कर सकता है। मौसम विभाग ने आज भी देश के कई भागों में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। इसी के साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 28 सितंबर तक देश में कई जगहों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान भी जताया है। आज हम सफर जंक्शन के माध्यम से आपको मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए मौसम का पूर्वानुमान, बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट अनुसार आज का मौसम, कल का मौसम, परसों का मौसम सहित 5 दिनों के दौरान मौसम के पूर्वानुमान वेदर फोरकास्ट को 5 डेज की जानकारी दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं आगामी दिनों के दौरान देश में कहाँ कहाँ होगी बारिश। देश में आज कहाँ कहाँ हो सकती है बारिश। आज का मौसम, निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 26 सितंबर को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, कच्छ और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ सहित कई स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी गुजरात, दक्षिण पूर्व राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मराठवाड़ा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप सहित कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कल इन राज्यों में बारिश की संभावना। कल का मौसम, 27 सितंबर को महाराष्ट्र, ओडिशा के कुछ भागों, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण गुजरात और दक्षिण पूर्व राजस्थान में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और रॉयल सीमा में हल्की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। अगले 5 दिनों के मौसम के मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनी। अगले 5 दिन का मौसम, 26-30 के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 29-30 सितंबर को ओडिशा और 30 सितंबर को झारखंड में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। 28-30 सितंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में 26-30 तारीख के दौरान तमिलनाडु में हल्की मध्यम से व्यापक बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। इसमें 26-30 को तटीय आंध्र प्रदेश में, 28-30 के दौरान तटीय कर्नाटक और केरल में तथा 29-30 सितंबर को आंतरिक कर्नाटक में हल्की से लेकर मध्यम या व्यापक वर्षा के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम भारत में 26-29 तारीख के दौरान कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में हल्की या मध्यम से व्यापक बारिश हो सकती है। इसी के साथ इस दौरान आंधी और बिजली गिरने के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। मराठवाड़ा 26 सितंबर को और 28 सितंबर को कोंकण और गोवा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य भारत में 30 सितंबर से 36 सितंबर में हल्की या मध्यम व्यापक बारिश संभव है। इस दौरान आंधी और बिजली गिरने के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। देश के बाकी भागों के मौसम में कोई खास मौसम में परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। बिहार के 18 जिलों में बारिश व वज्रपात की चेतावनी।